अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तस्नीम है और मैं किचन गार्डनिंग चैनल पर आपको खुश आमदेद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने कामों में मसरूफ़ होंगे। आज का मेरा जो टॉपिक है वो ये है कि हम अपने पौधों को पेस्ट से कैसे बचा सकते हैं, यानी कौन से मेथड हैं जिनसे हम जिनको इस्तेमाल करके हम पौधों को ये जो कीड़े लग जाते हैं इन पौधों को उनसे बचा सकें। ख़ास तौर से ये क्या होता है कि ये तकरीबन जो बरसात का मौसम होता है ना, इसमें ये ज़्यादा लगते हैं या बरसात के बाद भी ज़ाहिर बात है वो कीड़े ही होते हैं जो उसको खाते रहते हैं पौधों को। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के पेस्ट होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो मैंने देखा है वो वाइट पाउडर की तरह का एक पेस्ट है, वो कीड़ा होता है, असल में पाउडर नहीं होता लेकिन देखने में हमें वो पाउडर नज़र आता है। और उस पाउडर को या वो जो पेस्ट है उसको हम क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, मिली बग्स। वो पाउडर लाइक स्ट्रक्चर जो फॉर्म होता है वो असल में पेस्ट होता है और उसको कहते हैं मिली बग्स। तो मिली बग्स और उसके अलावा डिफरेंट जो बाज़ पौधों में ना ब्लैक ब्लैक से स्पॉट्स आ जाते हैं और वो उसको खाने लगते हैं उनकी लीव्स को, तो ये तमाम पेस्ट से बचने के लिए हमको कौन से तरीके इस्तेमाल करने चाहिए ताकि हम अपने पौधों को उन पेस्ट से बचा सकें। तो ज़्यादा कॉमन जो है, क्योंकि मेरे पास जितने भी ये पौधे लगे हुए हैं ना, इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो वाइट पाउडर जो है वो नज़र आता है पौधों में और उसको कहते हैं मिली बग। तो इन सब पेस्ट से कैसे हम बच सकते हैं, अपने पौधों को बचा सकते हैं। तो देखें ये मिली बग क्या होता है, असल में ये मेरे पौधों में ज़्यादातर पौधों में, ये जो वाइट आपको पाउडर नज़र आ रहा है ना, ये देखें ये वाइट पाउडर आपको नज़र आ रहा है, ये बग है, मिली बग है ये। और ये देखें इसमें, ये देखें ये वाइट वाइट नज़र आ रहा है ना आपको, ये मिली बग है। तो ये क्या होता है कि ये इन पौधों को जो है वो इनकी जो लीव्स हैं उनको खाता रहता है, उनको पौधों को जो है वो ख़त्म कर देता है। ये देखें तो ये ऐसे जो हैं वो मिली बग, मेरे ज़्यादातर जो पौधे हैं उसमें ये वाइट पाउडर ही है और ये मिली बग्स ही है जो उनको पौधों को डैमेज कर रहा है, यानी उनके लीव्स को डैमेज करता है तो पौधा भी डैमेज हो जाता है। तो इनसे बचने के लिए हमें कौन कौन से मेथड यूज़ कर सकते हैं, तो इसमें हम इससे बचाव के लिए सबसे पहले जो है वो है नंबर वन, जो है हम क्या कर सकते हैं कि जिस जगह पर वो लगा हुआ है पाउडर या वो मिली बग लगा हुआ है या कोई भी पेस्ट लगा हुआ है उसको, वो उसके हिस्से को हम तोड़ दें, उसको प्रून कर दें, उसको ख़त्म कर दें। जैसे ये मसलन ये जो मैंने आपको दिखाया ना, ये पाउडर लाइक स्ट्रक्चर है। अब हम इसको क्या करेंगे, ये देखिए पाउडर नज़र आ रहे हैं ना, ये इसको प्रून कर देंगे, यानी इसको निकाल देंगे। एक तो तरीका ये हो जाता है कि प्रून कर दिया, कहीं कहीं लगा होता है ना तो उसको आसानी से हम उसको पौधे से अलहदा कर सकते हैं, तो इस तरह वो आगे नहीं बढ़ेगा। और इसकी प्रूनिंग के ज़रिए नंबर दो जो है वो है अल्कोहल के ज़रिए। अल्कोहल हम 70% वाला अल्कोहल लेकर इसके फ्यू ड्रॉप्स जो है वाटर में डिज़ोल्व कर लेंगे, फ्यू ड्रॉप्स जो है वाटर में अल्कोहल के डिज़ोल्व कर लेंगे। और फिर डिज़ोल्व करने के बाद उसको जिन पौधों पे बग्स लगे हुए हैं या जिन पौधों पे पेस्ट लगे हुए हैं उन पौधों पे हम इसका स्प्रे कर देंगे। अब हम इसका स्प्रे जो है वो हम ये हमारे पास स्प्रे है, अब हम इसमें हमने जो भी पेस्ट ख़त्म करने के लिए वह इस्तेमाल करनी है जो चीज़ भी, वो हम इसमें स्प्रे में डालकर और स्प्रे कर देंगे। अब ये हम स्प्रे कर देंगे और जिनमें नहीं है उनमें भी हम स्प्रे कर देंगे ताकि वो जो पेस्ट है वो सब ख़त्म हो जाए। नंबर तीन जो है वो नीम ऑयल जो है वो उसके चंद कतरे लेके पानी में डिज़ोल्व करके और वो हम दे सकते हैं।
तमाम पौधों को दे सकते हैं, जिनमें जिनमें पेस्ट लगे हुए उनको तो ज़्यादा दे देंगे, बाकी ऐसे ही हम स्प्रे कर देंगे तमाम पौधों में। तमाम पौधों में स्प्रे करने से ये होगा कि आगे वो पौधों में जो है वो पेस्ट जो है नहीं लगेंगे, और जिनमें लगे हुए हैं वो उनको ख़त्म कर देगा। नंबर तीन जो मैंने नीम ऑयल का बताया, नंबर चार जो है वो है शैम्पू। शैम्पू में क्या करेंगे हम, शैम्पू जो है वो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं पेस्ट को ख़त्म करने के लिए। तो शैम्पू जो है वो कितना लेंगे हम, वन टीस्पून हम शैम्पू ले लेंगे, और वन टीस्पून शैम्पू को डिज़ोल्व करेंगे एक कप वाटर में, या ज़्यादा ले लें, हम ज़्यादा ले लें, कॉन्सेंट्रेटेड बना लें, उसमें पानी मिला दें तो वो डाइल्यूट हो जाएगा। तो एक लीटर पानी में भी हम यूज़ कर सकते हैं, एक टीस्पून जो है वो शैम्पू लेकर और उसे एक लीटर पानी में डिज़ोल्व कर लेंगे, और डिज़ोल्व करने के बाद हम उसको स्प्रे कर देंगे, तमाम पौधों में स्प्रे कर देंगे, जिनमें पेस्ट मैंने भी बताया ना कि पेस्ट लगा हुआ है उसमें भी कर दें, जिनमें नहीं है उसमें भी लग दें कर दें, ताकि आगे ना बढ़े, वो आगे नहीं बढ़े। तो इस वजह से हम उसमें भी पेस्ट स्प्रे कर देते हैं। अब देखिए मैं आपको दिखाऊँ, इसमें भी पेस्ट लगा हुआ है, ये वाइट नज़र आ रहा है ना आपको, ये पेस्ट है। अब हम क्या करेंगे, प्रूनिंग जैसा मैंने बताया ना, इसको तोड़ देंगे, और कहीं नहीं है, देखिए और कहीं नहीं है। अब इसी वाले पोर्शन को हम इसको प्रून कर देंगे, यानी तोड़ के अलग कर देंगे, तो आगे नहीं बढ़ेगा ये। तो ये शैम्पू जो है लेकर और इस स्प्रे बॉटल में डालकर तमाम पौधों को हम स्प्रे कर देंगे, जिसमें पेस्ट लगे हैं उसमें भी और बाकी पौधों में भी, तो वो तमाम पौधे जो है वो महफूज रहेंगे किसे, पेस्ट से। उसके बाद नंबर पाँच जो है वो है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या करेंगे हम, बेकिंग सोडा एक टीस्पून लेंगे, और हम इसको एक लीटर पानी में डिज़ोल्व कर लेंगे, और इसमें एक चम्मच भर के ले लेंगे हम, और एक लीटर पानी में इसे डिज़ोल्व कर लेंगे, और इसमें चंद कतरे जो हैं ओलिव ऑयल के भी डाल देंगे। ओलिव ऑयल के डाल के इसको अच्छी तरह से हम शेक करेंगे, और शेक करने के बाद हम ये इसका हमारे पास एक सोल्यूशन बन जाएगा, और इस सोल्यूशन को या इस पेस्टिसाइड को हम क्या करेंगे, स्प्रे में डालकर और तमाम पौधों को जिस पे ये वाइट पाउडर लाइक स्ट्रक्चर यानी बग्स के मिली बग लगा हुआ है, इसको भी हम ये भी इसको भी ख़त्म कर देगा, और बाकी ये देखें ये सब ये भी लगा हुआ है इसमें भी ये देख, तो ये सब इसको ये ख़त्म कर देगा, और ये पौधे जो हैं वो उससे महफूज रह सकेंगे। इसके अलावा हम क्या करेंगे, सब पौधों में इसको स्प्रे कर देंगे, ताकि ये हमारा जो पेस्ट लगे हुए ये सब ख़त्म हो जाएंगे, और पौधे जो है सही तरीके से नशोनुमा पाएंगे। तो अब मैंने आपको मुख्तलिफ कीड़ों से बचने के लिए, पौधों को कीड़ों से बचाने के लिए पांच मेथड बताए हैं। नंबर वन जो है विप्रूनिंग के ज़रिए तोड़ दें आप वो हिस्सा जिसमें लगा हुआ है, तो वो महफूज रहेगा। नंबर दो जो है अल्कोहल से, अल्कोहल के चंद ड्रॉप्स लेकर पानी में मिला के वो डाल दें, वो उसका स्प्रे कर दें। नंबर तीन जो है वो नीम ऑयल है, नीम ऑयल का थोड़ा सा एक टीस्पून ले लें या तो छोटा वाला, और उसे पानी में डिज़ोल्व करके वो दे दें आप पौधों को स्प्रे कर दें। नंबर चार जो है शैम्पू है, शैम्पू में क्या करेंगे, एक चम्मच शैम्पू का लेके और उसे एक लीटर पानी में डिज़ोल्व करके उसको हम स्प्रे कर देंगे। और आखिरी जो है नंबर फाइव जो है बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा जो लेकर पानी में डिज़ोल्व करेंगे, और चंद कतरे नीम ऑयल के डाल के स्प्रे जो है वो पूरे पौधों पर कर देंगे। इस तरह से तमाम जो ये हमारे पास पौधे नज़र आ रहे हैं ना, ये सब पेस्ट से महफूज रहेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का टॉपिक पसंद आया होगा, और आइंदा किसी अच्छे टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।